अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन फ्रेम्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। एक और नई वीडियो के साथ माही फिर से हाजिर है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना बिजी डे, जो मैंने कैसे मैनेज किया कुकिंग के साथ। मुझे पीटीएम भी अटेंड करनी थी, तो चलें अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, सुबह के 7:30 बजे का टाइम है। आज बहुत कुछ बनाना है, जैसे कि चना वाला पुलाव बनाना है, जिसके लिए मैंने चने ऑलरेडी प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं बॉईल होने के लिए। चिकन को डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया और साथ ही दाल को भी भिगो दिया, क्योंकि मुझे शामी कबाब भी बनाने थे। इसके अलावा मुझे आज सूप भी बनाना है और एक चॉकलेट राइस मूज की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इतनी जल्दी जल्दी मैंने ये काम इसलिए भी शुरू किए थे क्योंकि 9 बजे तक गैस चली जाएगी और उसके बाद मुझे पीटीएम भी जाना है। और पीटीएम के अटेंड करने के बाद जब मैं घर आऊँगी तो गैस में जो जनाब आना है तकरीबन 11:30। तो चना पुलाव मैंने फटाफट बना लिया था और अब मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए, ताकि मैं पीटीएम पे टाइम पर पहुँच सकूँ। चना पुलाव की रेसिपी अगर किसी को चाहिए है तो कॉमेंट ज़रूर करिएगा। वैसे तो ये कॉमन सी डिश है और सभी को आती है। आप सोचे होंगे भाई चावल इतने थोड़े से क्यों हैं, तो मैंने थोड़े से लंच बॉक्स में जो पैक करने थे वो मैंने पैक कर लिए थे, क्योंकि आने के बाद मेरे हस्बैंड को फ़ौरन ही निकलना होगा ऑफिस के लिए। तो जी, पीटीएम के लिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत सी डेकोरेशन यहाँ पर हुई हुई थी। स्कूल ने बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट किया होता है अपने पीटीएम पे, और वैसे भी एपीएस का जो सिस्टम है, डिसिप्लिन है, वो बाकी स्कूल से बहुत बेहतर है। एनी हाउ जी, हम गए सीधा अपनी बेटी की क्लास में। यहाँ पर इन्होंने अपने पूरे फर्स्ट टर्म का रिकॉर्ड रखा हुआ था और काफ़ी सारी चीज़ें थी देखने के लिए। कुछ ही मैंने फ़ोटोज़ ले ली थी और कुछ को वहीं पे बैठ कर मैंने डिस्कस कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखा रही थी। इस सारी अच्छी प्रोग्रेस का क्रेडिट मैं खुद पर बिल्कुल भी नहीं लेने वाली, क्योंकि इनमें सारी मेहनत इनकी टीचर्स की है। और अब हमें लेनी थी सेकेंड टर्म की बुक्स, और इनके स्कूल में ये ATM भी अवेलेबल था। बस बुक्स ली और फिर हम घर वापस आ गए। घर आते हुए तकरीबन 11 बज चुके थे और 11:30 बजे गैस वापस आनी थी और दोबारा 2 बजे चली जानी थी। इस गैस ने तो भाई सबको बहुत ही डिसिप्लिन बना दिया है, वक्त का पाबंद बना दिया है। क्योंकि अभी गैस के आने में अभी आधा घंटा था, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने की बजाय हम क्यों ना पहले चॉकलेट राइस मूस बना लें, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कुकिंग का काम नहीं है। राइस मूस के लिए राइस का ऑलरेडी बॉयल होना ज़रूरी है। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस हैं बॉयल्ड, तो आप उन्हीं की हेल्प से ये डेजर्ट बना सकते हैं। और अच्छा है, पहले ही बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी और लंच टाइम तक ये ठंडी भी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर खजूरें ली हैं, जो कि आधा कप हैं, और इनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। और दूसरी साइड पर मेरे पास ये 1 कप चावल हैं। वैसे तो खजूरों की ये क्वांटिटी मीठे के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा खजूरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक ब्लेंडर के अंदर इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसमें कोको पाउडर शामिल करूँगी। कोको पाउडर 1 टेबल स्पून इनफ होगा, लेकिन अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस लाना चाहते हैं कम या ज़्यादा, तो आप कर सकते हैं। करना इसमें कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट इसके अंदर पानी की क्वांटिटी को मेंटेन करते हुए इसको ब्लेंड करते जाना है। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी हम शामिल करते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। और हाँ, थोड़ा ब्लेंडर हमें ज़्यादा टाइम के लिए चलाना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल स्मूथ सी फॉर्म में लेकर आना है। जब बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए, तो आप इसको सर्व करने के लिए किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं। और गार्निश करने के लिए बेशक कोको पाउडर यूज़ कर लें या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। मेरे पास इस टाइम कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो बस मैंने इसे सिंपली ऐसे ही डालकर फ्रिज में रख दिया। और अब मुझे बनाने हैं शामी कबाब। और शामी कबाब का मैंने बहुत ही सिंपल सा तरीका रखा हुआ। प्रेशर कुकर में मैंने दाल को और चिकन दोनों को डाल के थोड़े से स्पाइसेस और लहसुन प्याज डालने के बाद प्रेशर दे दिया। ठंडा होने पर मैंने इसको अच्छी तरह से मशीन में से निकाल लिया था और चिकन को श्रेड कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस इसमें ऐड करें। मैं तो बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, जिसमें प्याज और पुदीना, धनिया और समटाइम्स थोड़ा सा इमली का पल्प भी डाल देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा बन जाता है। अच्छा जी, सूप बनाने की रेसिपी अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
सूप बनाने के लिए मैंने बोन्स वाला चिकन लिया था और उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल में लहसुन और अदरक को चॉप करके भून लिया था। थोड़ा सा उसका जब स्मेल ख़त्म हो गई उसके बाद मैंने पानी डाल दिया, उसको पकने के लिए रखा और नमक काली मिर्च भी शामिल कर दी थी। चिकन के गलने के बाद इसको श्रेड कर लिया और इसी स्टॉक को छान लेने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कैरेट क्रश करके डाली थी और कॉर्न जो कि मैंने घर पर ही बॉयल किए थे वो भी शामिल कर दिया। बाकी स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं और यम्मी सा सूप हमारा रेडी हो गया था। सॉरी फॉर दैट कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन रेसिपी तो मैंने आपको बता दी है। इस सूप के अंदर कनोर का जो चिकन क्यूब मिलता है वो ज़रूर डालिएगा, इसके अलावा गार्लिक चिली सॉस, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारे स्पाइसेस को बैलेंस करने के बाद मैंने अंडा डाला और एंड पर कॉर्नफ्लोर शामिल किया था। और मैं आपको क्वांटिटी भी बता देती हूँ, एग्स की क्वांटिटी मैंने 2 अंडे इस्तेमाल किए थे, कैरेट बिल्कुल थोड़ी सी इस्तेमाल की थी मैंने और जो चिकन फिलेट था वो बिल्कुल हाफ था। अगर फिर भी आपको प्रॉपर सूप की रेसिपी वीडियो के साथ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम जा रहे हैं वी मॉल फूड स्ट्रीट को इंजॉय करने के लिए। आप में से कौन कौन अब तक फूड स्ट्रीट जा चुका है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। फूड स्ट्रीट में हम जैसे ही एंटर हुए तो यहाँ पर इस कदर रश था कि ना तो पार्किंग के लिए कोई जगह थी और ना ही कोई बैठने के लिए जगह थी। एनी हाउ पार्किंग तो हमें मिल ही गई और जब हम अंदर गए तो भाई कोई हाल ही नहीं था, बस ऐसे लग रहा था कि पूरे का पूरा सियालकोट ना यहाँ पर खाने ही आ गया। तो फिर हमने यहाँ पर सोचा बैठने की जगह नहीं तो वापस जाते हैं, लेकिन जाते जाते हमें डॉक्टर सौसी के रूफ पर थोड़ी सी जगह मिल गई तो वहाँ पर हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद लोग चले गए तो हमें अच्छी सीट मिल गई, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। डॉक्टर सासी से हमने बर्गर्स ऑर्डर किए थे और बच्चों के लिए कुछ विंग्स और फ्राइज वगैरह। माहौल यहाँ पर उन्होंने सही बनाया हुआ था, ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ था जहाँ पर कवाल खान बैठे हुए कवाली बोल रहे थे और इस कवाली की आवाज़ इस पूरे एरिया में आ रही थी स्पीकर्स की वजह से। ऑर्डर करने के लिए भी यहाँ पर इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा और उसके बाद जब ऑर्डर कर लिया तो उसके बाद भी काफ़ी देर वेट करना पड़ा। और वेट करने के लिए उन्होंने हमें ना ये एक डिवाइस दे दी थी कि जैसे ही आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो ये बीप बजने लग जाएगी और फिर आकर आप अपना ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। तो भाई टाइम पास करने के लिए ना हमने इसे एक गेम ही बना लिया था और जब तक ऑर्डर नहीं आया ये बच्चे गेम ही खेलते रहे। और फ़ोन पकड़ा कर बिठाने से तो बहुत बेहतर ये गेम ही थी। एनी हाउ जी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करती हूँ। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए है या किसी खास टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं तो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। तो जनाब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।